डाबर इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से जीवंती वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए शासकीय प्राथमिक विद्यालय बिल टापरा सागौर धार का नवीनीकरण कार्य किया गया है, जिसका उद्घाटन समारोह स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा किया गया, जिसमें डाबर इंडिया लिमिटेड से प्रमोद कोहले, फैक्ट्री मैनेजर सुरेंद्र यादव, मानव संसाधन प्रमुख एवं नरेश कुमार चढ़ार CSR प्रभारी मौजूद रहे। साथ ही संकुल प्राचार्य श्रीमती प्रतिभा जोशी पांचाल सर मौजूद रहे। कार्यक्रम आयोजन में भील टापरा स्कूल के हेडमास्टर एवं शिक्षक साथीगण के साथ SMC अध्यक्ष मौजूद रहे। स्कूल प्रबंधन समिति ने डाबर इंडिया लिमिटेड एवं जीवंती ट्रस्ट के कार्य को सराहते हुए उनका आभार माना। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। 3 महीने पहले हर्ष और आनंद लिख रहा है और इन्होंने कहा कि हमको अच्छा है, इन्होंने कहा कि हमको एक अच्छा स्कूल को नूतनीकरण किया, पर मैं ये बोल रहा हूँ नूतनीकरण नहीं हुआ, ये ऊर्जावान हो गया है। नरेश और यादव जी ने जो आपको सहयोग दिया, आपके सहयोग से ये जो कुछ बना है और ये जो मैं आपको देख रहा हूँ, ये नूतनीकरण पे जो ट्रेन दिख रही है वो ट्रेन की तरह ही आपकी शासकीय विद्यालय भील टापरा का उत्तर उत्तर यह बधाई दिया है कि आपकी ट्रेन भील टापरा की मतलब चले बहुत दूर दूर तक, तेज ट्रेन चले। जैसे कोले सर ने बताया कि हम लोग यहाँ पे 3 महीने पहले हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने सागौर में और भी स्कूलों को देखा कि हम लोग वहाँ कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो प्रिंसिपल साहब से यहाँ मुलाकात हुई। इन्होंने बताया कि नहीं, हमें यहाँ स्कूल में ज़रूरत है क्योंकि छत में कुछ प्रॉब्लम है, पेंट नहीं है और ये सब कच्चा है और बच्चों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, शायद 120 बच्चे हैं जो यहाँ पे हैं और वो नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो काफ़ी काम था यहाँ पर कराने के लिए। तो जीवंती और डाबर परिवार की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि बच्चों टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है तो उसकी सोच में फर्क आता है, ऐसा हमारा सोचना है, तो उन सबको देखते हुए हम लोगों ने इस स्कूल को अडॉप्ट किया और इस स्कूल में ये काम कराया। बस यहाँ के प्रबंधन से और आप इसलिए मैं दोनों स्कूलों का अंतर भी देख सकता हूँ। पहले ये वास्तव में भील टापरा जैसा ही स्कूल था, क्योंकि हम लोग आदिवासी विकास विभाग में काम करते हैं तो भील शब्द हमारे लिए नया नहीं है। हम जानते हैं कि भील व्यक्ति अपने जीवन को कितने कम से कम संसाधनों में आगे बढ़ाता है और उसके पास रहने के लिए वास्तव में टापरा ही होता है, जिसको हम हट कह सकते हैं, झोपड़ी कह सकते हैं। और हम लोग जब थोड़ा सा आगे निकले पढ़ लिख कर तो हम सबके मन में होता है कि हमारे कोई अच्छा सा मकान बन जाए, कोई अच्छी बिल्डिंग बन जाए। तो मुझे लगता है कि इन दिनों में टापर ने जो यहाँ काम किया है वो भील टापरा से लेकर भील हाउस या भील बिल्डिंग बनाने जैसा काम किया। आज ये स्कूल जितना रोचक और मनोरंजक हम लोगों को लग रहा है, हमने एक नई ऊंचाई यहाँ पर हासिल की है और अब हम ये कहेंगे कि हम प्राथमिक विद्यालय भील हाउस में पढ़ रहे हैं। कैसा रहेगा आपको ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल यहाँ की रंगत बदल गई है और जैसे सभी लोगों ने कहा कि नई ऊर्जा हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं, मुझे भी बिल्कुल वही ऊर्जा महसूस हो रही है। अगली बार जब हम आप लोगों के बीच में आएंगे तो आपको एक नया प्रतिमान वो बनाना होगा। आपने जितना मदद करके हमारे लिए ये भील टापरा सुधार के किया है तो अब हम लोगों की बाकी जिम्मेदारी बचती है कि हम लोग इसमें अपनी पूरी ऊर्जा आहार को प्रेरणा को दिखाते हुए शिक्षा में भी नई ऊंचाई हासिल करें। आप सब लोग भी वंचित समूह के हैं, पिछड़े तबके के हैं और अभाव में जीते हैं, तो जिस प्रकार से कोई मदद हमको मिल जाती है उस मदद आगे बढ़ाने में सहायक होती है, तो हम लोग उम्मीद करें और नए प्रतिमान रखकर हमारे सभी अतिथियों को फिर से यहाँ पर आमंत्रित करें। आप में से कोई बच्चा जब वास्तव में होनहार बालक से शुरू होकर आगे बढ़ेगा तभी हम लोग सब और भी ज्यादा खुश होंगे, और भी ज्यादा गौरव की अनुभूति हमको होगी। आज जो ये भील हाउस हम लोगों को मिला है रोचक, इस सब के लिए डाबर हाउस को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे संकुल की ओर से धन्यवाद और हमारे सभी अतिथियों का एक बार पुनः शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय संकुल की ओर से, परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।